गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सफ़र सुरभि की। और मैं हूँ सुरभि। तो जैसा कि आप लोगों को लास्ट वीडियो में दिखा होगा कि मैं आ गई हूँ अपने गांव, यानी कि केजी के गांव। केजी भी उठ गए। हेलो हेलो, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। इधर देख के बोलो ना। क्या हाल है सुरभि? गुड मॉर्निंग, कैसी हो? कैसा लगा पहला रात? आपको पता है मेरे हम अपने गांव में भी बहुत कम जाके रहते हैं, बहुत कम। आज पहली बार हम किसी और गांव में रुके हैं। तो गांव तो अच्छा है, सबसे अच्छा है यहाँ पे कि मींस लोग जो है वो ऑर्थोडॉक्स नहीं है ज्यादा, अच्छे हैं, सब ठीक है। जैसे मन रहो, जैसे मन घूमो फिरो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। तो अच्छा लगा गाँव यहाँ का। और क्या, और बिना पेड़ का पहाड़ भी है। बिना यहाँ से फेमस इंटरनेशनल टूरिस्ट स्पॉट प्लेस जिसका नाम है बोधगया, जो कि बहुत ही फेमस है, बिहार का सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस है, स्पेशली जो बौद्धिज्म फॉलो करते हैं, उनके लिए। आज मैं दिखाऊंगी आपको जहाँ पे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और यहाँ पे गया को मुक्ति धाम भी बोलते हैं। तो आज हम लोग वहीं जाने वाले हैं, थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे, लगभग 1 घंटे का रूट है यहाँ से। जी को इतना भी पता नहीं है कि कड़ी पत्ता कैसा होता है, ये लेमन ट्री को बोल रहे हैं कि कड़ी पत्ता है। बोलो जी, ये लेमन का ट्री है। माधवी कुछ सिखाइए, कुछ सिखाइए भाई। लेमन ट्री को बोल रहे हैं कड़ी पत्ता है। कड़ी पत्ता यहाँ है, देखो ये कड़ी पत्ता, देखिए यहाँ भी साल पेड़, यहाँ छोटा छोटा है ना। हाँ, वो उसका रूट वहाँ पे दिख रहा है, इसलिए वहाँ पे। हाँ तो कहिए, ये लेमन ट्री है, ठीक है, और ये मैंगो ट्री है देखो। और ये छोटी आ गई सुबह सुबह के चाय लेके। गुड मॉर्निंग छोटी। गुड मॉर्निंग। मिले सब कुछ, इतना नेचुरल मिल रहा है, फिर भी ब्रश कर रही हो देखो। हाँ ये देख लो, इन लोग को कौन कहेगा, लोग गांव में रहे हैं तो इन लोग से तो अच्छे हमें। टी-शर्ट भुला गया। इन लोग से तो अच्छे हमें कि हम ब्रश नहीं करेंगे आज। ये रंग के कपड़े फैली से हीन है, कोई ना लेगा। तो अब हम लोग जा रहे हैं केजी का 100 साल पुराना घर देखने, जो 1925 में बनाया गया था। और ये है महादेव का मंदिर। बोलो ना, हेलो गाइस। हेलो गाइस नहीं बोल रहे हो? किधर जाना है? बच्चा इधर है। चलिए आपका ऐतिहासिक घर देख लेते हैं। पहले बच्चा देख लीजिए। अरे कितना सुंदर बच्चा हुआ है। मालिंग है इसके आसपास। ये उधर। अरे तो कितना सुंदर है मालिंग। इसका जन्म अभी हुआ है, कितने दिन पहले? आज ही ना, दो बार। अच्छा, ये धूप में बांधना था। ये धूप में बांधो, सच में पहले बांधा ही कहाँ है? हम ले जाए, नजर लग गया। नहीं वो देखिए। तो अभी हम लोग केजी के पुराने वाले घर के आंगन में खड़े हैं, जो कि 100 साल पुराना है। और एक पार्ट जो है इसका, वो मीन्स टूट चुका है, पूरा गिर चुका है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और ये पहले कुछ ऐसा दिखाई देता था। ये 3 स्टोरीज बिल्डिंग हुआ करता था तब के ज़माने में, और अभी फ़िलहाल इसका हाल ऐसा हो चुका है, एक साइड घर है और एक साइड ये बिल्कुल ही टूट चुका है। गो। सो बेसिकली इस बिल्डिंग का क्या था कि 1925 में जब हमारे फोर फादर्स यहाँ पे आए थे, बेसिकली वो लोग जमींदार कह सकती हो, तो यहाँ पे कचहरी, जो कि अब कोर्ट कहते हैं, वो था।
और 1925 में का बिल्डिंग है तो अराउंड 100 ईयर हो गया है। और तो हम लोग यहाँ जा रहे हैं छोटी के घर में। हमारे यहाँ है कि अगर कोई भी नई दुल्हन आती है या घर की लड़की अगर अपने ससुराल जाती है तो उसको खोइछा दिया जाता है, आंचल में कुछ दिया जाता है, तो वही देने के लिए यहाँ पे लाया गया है। नहीं हम ले नहीं रहे हैं जी। हम पहली बार भी हैं जो ननद लोगों को पीटने का भी धमकी देते हैं। छोटी दे लो तो मैं पटाम करूं सीधे पीछे देखे जाता हूँ। तो अब हमारे गांव का जो ट्रिप है यहीं पे ख़त्म हो रहा है और हम लोग अभी यहां से निकल रहे हैं बोधगया के लिए। तो मैं आपको बोधगया भी दिखाऊंगी, महाबोधि टेंपल कोशिश करूंगी दिखाने का, और 80 फीट के जो गौतम बुद्ध का स्टैचू है वो भी दिखाऊंगी। तो फिर मिलते हैं बोधगया में। तो अगर आपको मेरा ये मेरा विलेज टूर्स ससुराल टूर जो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो लोग नए हैं, और लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए व्लॉग में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।